कौन आया? जी, जी के पास गया। इस यहां पर एक्स है तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो देखो ध्यान से, यहां पर क्या है? दो। तो दो तो एक्स है नहीं, दो को ऐसे रहने दो। उसके बगल में गुणा क्या है? एक्स का। तो इसको कोष्टक में लिख देना, पहले कोष्टक में। अब इस एक्स की जगह पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहां पर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये गुणा का दो क्या बन जाएगा? टू एक्स स्क्वायर प्लस में टू। अब बहुत से बच्चे साइंटिस्ट होते हैं, तो यहां पर देखो साइंटिस्ट क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मैंने बोला जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहां पे तो दो लिख देते हैं। वो बचपन से मैथ पढ़ते आते हैं लेकिन मालूम नहीं रहता कि मैथ होता क्या है, बस पहले पढ़ के पढ़ लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो लिख दिया। अब इस एक्स की जगह पर क्या रखना है? एक्स स्क्वायर प्लस वन काम करते हैं, तो क्या लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन। हालांकि इस एक्स का इस दो में गुणा था, हमने क्या कर दिया, बस इसके साथ लगा दिया, इसमें गुणा किया ही नहीं। तो थोड़ा सा कोष्टक का ध्यान दें, इसीलिए बचपन में आपको क्या पढ़ाया जाता है? कोष्टक पढ़ाया जाता है सारे। ठीक है बेटा, ये लिख लेना आप। अब ऐसे ही बगल में आपको मैं एफ ओ जी भी बता दे रहा हूं आपको। तो एफ ओ जी क्या होता है इसको देख लेते हैं। अब क्या निकाला आपको? एफ ओ जी एक्स। अच्छा, एफ ओ जी परिभाषित होने के लिए क्या था? जो बगल में हो उसका परिसर। इस एक्स के बगल में कौन है? जी। तो जी का परिसर, जी का परिसर उपसमुच्चय होना चाहिए एफ के प्रांत का। जल्दी से ऊपर से देखो, जी का परिसर क्या है? जी का परिसर क्या है? जी है। जी का परिसर क्या है? आर। एफ का प्रांत क्या है? एफ का प्रांत देखो आर। तो क्या आर आर का उपसमुच्चय होता है कि नहीं होता है? पहले बोलो जल्दी से, होता है। स्वयं स्वयं का उपसमुच्चय मैंने बी का दिखाया था। इसका मतलब क्या होगा? एफ ओ जी परिभाषित होगा, एफ ओ जी परिभाषित होगा। अब एफ ओ जी अपन निकालते हैं, पहले तो परिभाषित है कि नहीं है उसको चेक करते हैं अपन। एफ एक्स के बगल में कौन है? जी। यहां पर एक्स के बगल में कौन था? एफ। यहां पर क्या था? एक्स के बगल में कौन था? एफ। यहां पर एक्स के बगल में कौन आ गया? जी। तो इस एक्स को किसके साथ लगाया था? एफ के साथ। अब इस एक्स के साथ किसके साथ लगाऊंगा? जी के साथ। तो जी लगाते हैं, ये क्या बन जाएगा? जी एक्स। अब इसको कोष्टक छोटा कर लेते हैं। अब वहां पर हमने क्या किया था? इस एफ एक्स का मान रखा था। अब यहां पर क्या करूंगा? जी एक्स का मान। जी एक्स का मान क्या है यहां पर? टू एक्स है। तो जी एक्स का क्या रख दोगे यहां पर? टू एक्स हो गया। अब इस कोष्टक के बाहर कौन आया? एफ। इस कोष्टक के बाहर कौन आया था? इस कोष्टक के बाहर कौन आया था? जी। क्या इस कोष्टक के बाहर कौन आया था? जी। तो अपन इसमें जी के पास गए थे, लेकिन अब इस कोष्टक के बाहर कौन आ गया? एफ। तो अपन किसके पास जाएंगे? एफ के पास जाएंगे। एफ कहाँ है अपने पास? यहां पर है। तो ध्यान से देखो, यहां पर एक्स है, यहां पर क्या है? टू एक्स है। यहां पर क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वन था, यहां पर एक्स था। अब यहां पर एफ में क्या हो गया? यहां पर टू एक्स है, यहां क्या है? एक्स है। तो इसका मतलब इस एफ में जहां जहां भी एक्स होगा वहां वहां क्या रख देंगे? टू एक्स। तो देखो टू है यहां पर है, तो ये है एक्स। एक्स की घात क्या है? दो। यहां पर भी बताऊंगा कौन से साइंटिस्ट वाले काम करते हैं बच्चे हमारे। एक्स की घात क्या होगा? दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर एक्स की जगह पर क्या रखना है? एक्स की जगह क्या रखना है? टू एक्स। तो पहले तो बिना साइंटिस्ट वाला काम करते हैं, टू एक्स की घात कितना हो जाएगा? दो। एक्स की जगह पर क्या रखना है? टू एक्स। तो यहां पर एक्स है, उस एक्स की जगह क्या रख दिया? टू एक्स प्लस। एक्स तो है नहीं, तो जो है उसको लिख दो, अचर है तो प्लस वन, जो भी होगा लिख दो। वहां पर एक्स नहीं था, जहां जहां केवल एक्स होगा वहीं वहीं पे चेंज होगा, बस एक्स की जगह पे क्या रख देना अपने को? टू एक्स। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? चार एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब साइंटिस्ट वाले बच्चे जो होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या करेंगे? रखने की जगह पर क्या रखेंगे? एक्स की जगह पर टू एक्स रखेंगे, तो ऐसे रखेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये गलत है, स्क्रीनशॉट मत ले लेना तुम सब, ये टू एक्स स्क्वायर गलत था, ये क्या है? गलत है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन आप
1.1 और एग्जाम्पल ट्राई कर लेना। ट्राई करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए हैं, और जो अपने ग्रुप के बच्चे कमेंट बॉक्स में ही डाल देना, ग्रुप में मत डालना, ठीक है। तो आपको जो जो क्वेश्चन ना हो एग्जाम्पल करना और क्या करना 1.1 करना, जो भी क्वेश्चन ना हो उसको कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, उसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाय बाय।